और वहीं आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से अपनी मांगों के चलते पंजाब के बठिंडा में अमरप्रीत सिंह बादल के दफ्तर का घेराव करते हुए भूख हड़ताल पर दूसरे दिन भी ये हड़ताल जारी रखी गई। प्रदर्शन के दौरान यहां वर्करों ने कहा कि पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि उनका बनता हक उन्हें दिया जाए, हरियाणा पैटर्न पंजाब में भी लागू किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन 2022 विधानसभा चुनाव तक इसी तरह जारी रखा जाएगा। हरगोबिंद कौर, आल पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजम यूनियन की स्टेट प्रेजीडेंट, आंगनबाड़ी इंपलाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया की कौमी प्रधान है। अज साडा मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के खजाना मंत्री आ, उन्होंने दफ्तर के सामने दूजा दिन है धरने का। ये असी पंजाब के जिन्हें भी कैबिनेट मंत्री है उन्होंने घर के सामने असी हर शनि एतवार लगातार रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, भुख हड़ताल कर रहे हैं, ब्लड नाल लिख के मंग पत्र दे रहे हैं। पहला असी सारे कांग्रेस के एम एल ए घर के घराओ किए हैं। साड़ियां मंगा ये है कि पंजाब सरकार ने पिछले पौने 5 साल तो सानू सड़कों पर रोलिया, आने सार इन्होंने साडे बच्चे आंगनवाड़िया के खोले, सानू नर्सरी टीचर का दर्जा नहीं दिता, जिहड़े वलंटियर हैगे आ उन्हां नूं नर्सरी टीचर का दर्जा दिता जा रहा, साडे बच्चे आंगनवाड़िया वापस नहीं किए, असी हरियाणा पैटर्न मंग रहे, साडा हरियाणा पैटर्न लागू नहीं किया, 4 साल तो PNY के पैसे नहीं दिते, पोषण अभियान के पैसे नहीं दिते, स्मार्टफोन नहीं।